कितने अपन शिवानी जीरो में और आज ब्लॉक फील्ड में खेल हो रहे हैं। 1 से 5 तक की क्लास वालों के गेम्स हो रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ब्लॉक फील्ड में नीचे से गाड़ी लाना मना है और यहाँ पे छोटे बच्चे हैं इसलिए मना कर रखा है। और नीचे भी एक बैरक लगा रखा है ताकि गाड़ी ऊपर ना पाए, लेकिन बाइक के लिए अलाउड है शायद। और अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर कुछ काम से। भाई खतरनाक बारिश आ रही है बाहर, तो बाहर मतलब हम बाहर ही हैं रोड पर ऐसे। और जैसे हम थर्ड में निकले वहाँ तो बारिश हो नहीं रही, अच्छा था मौसम। जैसे कैनो गैंड से आ गया है तो बहुत भयंकर बारिश लग गई, बस भीग की आदत तो बाइक में ही है। और भाई काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, यहाँ पर रुक गए, छाता ला गया हम, नहीं तो हम पूरा भीग गया। अभी बैग है और पूरा भीग गया भाई मैं तो पीछे साइड। और गाड़ी इतनी तेज़ आ रही है यहाँ पर रास्तों पर देखो, और बाइक भीग गई हमारी। फिलहाल थोड़ा बारिश कम हो चुकी है और हम थोड़ा पीछे जा रहे हैं जहाँ पे एक दुकान थी कैनो ब्रांड में। और बारिश क्योंकि हम थोड़ा जाएंगे आगे तो वहाँ भीग ही जाएंगे, तो हम सोच रहे हैं कि पहले पीछे जाएंगे फिर बारिश आराम से रुक जाएगी तो हम फिर चलते हैं। गाइस ये चेक करें आप, नेट था वो शायद निकल गया है तो मैंने दूसरा मंगा रखा है ताकि इससे थोड़ा साउंड कम हो जाए, क्योंकि यहाँ पे गांव का है मार्केट इसलिए कोई इतना ज़्यादा चालान होता नहीं है। तो फिलहाल मैंने मंगा रखा है तो उसको लगा दूंगा, क्योंकि इससे जो आवाज़ आती है काफ़ी ज़्यादा आती है भाई। लोग बोलते हैं भाई थोड़ा साइलेंस वो डीबी कलर लगा ले इससे ताकि आवाज़ थोड़ा कम आए, तो मैंने मंगा रखा ऑनलाइन अमेजोन से तो उसको लगाऊंगा, थोड़ा आवाज़ कम हो जाएगी फिर ठीक रहेगा। वैसे काफ़ी अच्छी आवाज़ है उसकी, पटाखे भी छोड़ती है पीछे। और जिस जगह हम जा रहे हैं वहाँ तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, सामने आके देख ही सकते हैं आप। और ऐसे बारिश में भीगने का भाई मज़ा ही कुछ और भाई छाता भी हमारे पास भाई ये उठ रहा है बाइक में काफ़ी तेज पीछे के लिए। वैसे मुझे पता था कि बारिश तो हो सकती है लेकिन इतनी ज़्यादा बारिश होगी वो मुझे पता नहीं था, इसलिए मैं छाता रख देता बैग में। भाई आराम से छाता उठ रहा है, मैं कैसे करूँ फिर ये चक्कर है भाई। आप काफी शानदार मौसम हो गया भाई, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं आ रही, देखो नॉर्मल पानी आ रहा है। अगर यहाँ गाढ़ आती तो पूरा काला पानी बहता है यहाँ पे। और ये है ब्यासी का पुल, काफ़ी शानदार है भाई, ऐसा लगता है मेल्टा का ब्रिज है, मेल्टा में काम करते हैं ना जैसे, तो वैसे ही लग रहा है। फिलहाल तो बारिश बंद हो चुकी है और अब हम जा रहे हैं जहाँ में काम था। भाई क्या सुकून से बैठे हैं, मस्त मौसम हो रखा है और ऐसा नज़ारा कभी कभी मिलता है बारिश में। और ऐसा है गांव का मौसम आजकल कुछ, तो आजकल झंगोर की जो है कटाई हो रही है, इनको बाद में जब सूख जाते हैं ना तो इनको गल ले जाते हैं गाय भैंस के लिए, तो सर्दियों में काम आते हैं ठंडियों के टाइम में, क्योंकि घर में सपने एकत्र किए होते हैं घास। और फिर ऐसे जैसे ठंडियों के टाइम आ गए तो ठंडियों में तो इधर उधर जाया नहीं जाता, तो ठंडियों में ये घास कटाई जाती है गाय भैंस को। और यहाँ का रास्ता कुछ ऐसा है, रोड के दोनों तरफ घास ही घास है और आजकल जोंक भी होते हैं तो थोड़ा सावधानी पूर्वक चलना पड़ता है। और जैसे धूप लगी रहती है आजकल उसमें काफ़ी तेज़ धूप होती है, तो सांपों का भी डर लगा रहता है तो उनसे भी थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ती है। जिस गाँव में गए हम काफ़ी अच्छी तगड़ी लोकेशन है भाई यहाँ से। नाम क्या आपका? शिवानी। अच्छा, और प्यारी लड़की देख सकते हैं यहाँ पे, शिवानी नाम है उसका। और यहाँ से जो व्यू आता है नज़र पूरा यहाँ पे, पूरा टॉप में हम तो पूरे डाउन का पूरा व्यू आता है यहाँ पे। भाई मौसम क्या स्वच्छ हो रहा है, साफ हो रहा है मौसम। ये शिवानी कितने अपन शिवानी जीरो में आंगनबाड़ी में ना। अच्छा ठीक है।
और जहाँ हम गए थे वहाँ से हम वापस आ चुके हैं रोड पे और अब बाइक में जा रहे हैं। मौसम काफ़ी अच्छा हो चुका है और जहाँ हम गए थे उन्होंने ककड़ी भी दी हमें, बोला खा लेना घर पे। हमने कहा ठीक है भाई खा लेते हैं। वैसे भी आजकल ककड़ियों का टाइम है, इतनी ककड़ियाँ घर पे कि भाई खाई नहीं जाती हो, तो हम इसको खा लेंगे रास्ते में। और मौसम पूरा साफ हो चुका है, धूप भी लग चुकी है और इससे पहले इतनी बारिश इतनी तेज़ आ रही थी, पता नहीं चलेगा कि बारिश आ रही थी इससे पहले तेज़, धूप क्योंकि बहुत तेज़ हो चुकी है। और अब हम जा रहे हैं घर की ओर, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।